फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारे सिंपल इंटरेस्ट का आखिरी पार्ट है, जहां हम इंस्टॉलमेंट और टू डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आशीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल परोसिंग मैथ्स में। आज जो शुरुआत कर रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट से कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट से लगभग हम सब वाकिफ हैं, जानते हैं क्या होता है कि मान लीजिए मैंने एक एसी लिया है 35,000 में। 35,000 जब उसका सेलिंग प्राइस है, मैंने 20,000 उसे वहीं पे दुकानदार को दे दिए और बचे जो 15,000 हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं बोलूँगा कि 6 महीने में मैं धीरे धीरे करके आपको 15,000 दे दूँगा। बिजनेस ऐसे नहीं चलती है। मैं अगर 6 महीने का टाइम ले रहा हूँ उससे कि मैं हर महीने इतने इतने पैसे चुकाऊंगा, तो वो क्या करेगा, एक इंटरेस्ट रेट लगाएगा उस पर और फिर वो एक किस्त बनाएगा कि इस किस्त से आपको हर महीने पे करते जाना है। तब जाके 6 महीने में जब मैं टोटल पे करूंगा तो वो हमेशा उस 35,000 से ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ रहा है जो उसे फ़ायदा देगा। ये चीज़ होती है हमारी इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन से हम धीरे धीरे समझते चलेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। क्वेश्चन आज का पहला क्या है कि द प्राइस ऑफ टीवी इज 60,000, लेकिन इट कैन ऑल्सो बी परचेस्ड ऑन ए कैश डाउन पेमेंट ऑफ ₹20,000। मतलब 6,000 सेलिंग प्राइस है, लेकिन वो दूसरा तरीका जो क्या है कि अगर हम 60,000 रुपये डायरेक्ट पे नहीं कर रहे हैं तो क्या है कि 20,000 एट द टाइम कैश डाउन पेमेंट किए और 6 मंथ्स इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹8,000 पर मंथ। 6 महीने के लिए 8,000 प्रति माह का हमने किस्त चुकाना है और फाइंड द रेट ऑफ कैलकुलेट ऑन SI। रेट हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट किस पे हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। होता क्या है देखिए आप, कि जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो कैसा होता है इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में, कि अगर हम मान लें कि एक्स हमारा इंस्टॉलमेंट है 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए हमने इक्वल इंस्टॉलमेंट लिया है एक्स को, तो कैसे पेमेंट होता है कि हमारा है किस्त एक्स, उसमें आर परसेंट जुड़ेगा 2 महीने की अगर बात हो रहे हैं तो पहले महीने में 2 का टाइम जुड़ेगा और फिर दूसरे महीने में ये 12 होगा, दूसरे महीने में क्या होगा, फिर उसी किस्त पे उसी रेट पे 1 महीने का इंटरेस्ट जुड़ेगा। ऐसे करते जाते हैं। जैसे अगर 4th मंथ का होता तो यहाँ क्या होता है 4, यहाँ 3, फिर ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये ट्वेल्व इसलिए आ रहा है दोस्तों, क्योंकि रेट जो हम फाइंड करते हैं वो होता है हमेशा पर एनम, प्रति वर्ष की दर से होता है। प्रति वर्ष को जब हम मंथ में चेंज करेंगे तो हमेशा 12 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो ऐसे चलता है हमारा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट सिस्टम, लेकिन इस तरीके से हम जब करेंगे क्वेश्चन को तो बहुत टाइम लेगा, है ना। तो ऐसे नहीं करना है। इसे करना कैसे है देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है हमें, टाइम दिया हुआ है 6 मंथ। तो 2 चीज़ें और हमें फाइंड होनी चाहिए, क्या इंटरेस्ट कितना लग रहा है और दूसरा प्रिंसिपल कितना है, ठीक है। तो कैसे करना है कि 60,000 रुपये उसका प्राइस था टीवी का, तो 60,000 जो प्राइस था उसमें उसने पे कितना किया है 20,000। जब 20,000 पे किया तो बचा कितना, जो और पे करना है वो बचेगा 40,000, ठीक। इतना उसे और पे करना था पर वो
8000 रुपये 6 महीने तक हर महीने पे करते जा रहा है, तो वह जो एक्चुअल जो उसका पेमेंट है वो कितना है? 48000, 8000 रुपये 6 महीने तक। तो यहाँ जो उसे पे करना था और जो एक्चुअल पे कर रहा है, इसका डिफरेंस ही हमें एसआई देता है या इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट कितना हो रहा है हमारा? 40000 के जगह 48000 हो रहा है, मतलब 8000। ये आ गया हमारा क्या? इंटरेस्ट। अब दूसरी बात होती है प्रिंसिपल। तो हो क्या रहा है यहाँ देखिए, 40000 रुपये उसे पे करने थे, ठीक, और वो 8000 हर महीने देते जा रहा है। तो पहले साल की हम बात करें, पहले महीने की बात करें, तो 40000 में उसने 8000 जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट 8000 उसने पे कर दिया। तो दूसरे महीने कितने हुए? 32000 इतने बचे। फिर वो क्या करेगा? फिर 8000 पे करेगा। तो ऐसे करते करते वो 8000 पे करते जाएगा, कब? तीसरे महीने 24000, फिर 8000 पे किया तो ये आया 16000, फिफ्थ मंथ 8000, और आखिर में 8000 है, 8000 पे करते जा रहा है, तो ये बचा 0। तो इंस्टॉलमेंट के प्रॉब्लम में जब भी इंस्टॉलमेंट देगा तो हमें बचे हुए पैसों से उसे तब तक माइनस करते जाना है जब तक या तो वो 0 ना आ जाए या जो प्रिंसिपल है वो इंस्टॉलमेंट से कम ना हो जाए। सपोज यहाँ 7000 होता तो नेक्स्ट मंथ वो फिर 8000 देता, तो वो 1000 जो एक्स्ट्रा है वो इसके खाते में ही जाता, ठीक है, ऐसे करना है। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों जो हम देख रहे हैं, जो पे करना था उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, ये हमारा होता है प्रिंसिपल, ये टोटल प्रिंसिपल होता है। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 10, 20, ये 0, 3 0 हैं, ये 2 आया, 6, 2, 9, 10 और ये 12, मतलब कि हमारा प्रिंसिपल कितना आ रहा है? 1,20,000 रुपये। तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो होता है हमारा PRT/100 होता है। इंटरेस्ट हमने देखा कितना था? 8000 रुपये इंटरेस्ट है हमारा, 8000 रुपये। प्रिंसिपल कितना है? 1,20,000, 1,20,000। रेट हमें नहीं पता है, और टाइम की हम बात करें तो 1/12 होगा, क्योंकि मंथली हमारा कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन हम जो रेट फाइंड करते हैं वो किस पे करते हैं? ईयरली पर एनम, इसलिए 1/12। अब यहाँ से इसे कैलकुलेट कीजिए, ये 2 0, ये 2 0 गए, ये 2 0, ये 2 0 गए, और ये 12, ये 12 गया, मतलब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 80%, और यही है हमारा आंसर, ठीक है। कैसे हो रहा है एक बार फिर समझिए कि जो हमारा बचा हुआ था पैसा पे करने को और जो एक्चुअल पे किया, उनका डिफरेंस हमें एसआई दे रहा है या इंटरेस्ट दे रहा है। फिर जो हमें पे करना था उसमें इंस्टॉलमेंट में जितने हमें हर महीने घटाते जाएंगे, 40 से 32, 32 से 24, 24 से 16, ऐसे तब तक जाना जब तक हमारा लास्ट 0 ना हो जाए या इसकी वैल्यू इंस्टॉलमेंट से कम ना हो जाए, और इनका सम हमें प्रिंसिपल देगा। इंटरेस्ट यहाँ से पता है, प्रिंसिपल यहाँ से पता हुआ, और 12 इसलिए आया क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं पर एनम में, लेकिन यहाँ बातें हो रही है मंथली की, इसलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, कि एक बाईसाइकिल की प्राइस है 10000 रुपये, लेकिन वही साइकिल
11 महीने के इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट 1000 रुपए पर भी खरीदा जा सकता है। आर परसेंट हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन ये पिछले जैसा ही है, लेकिन देखिए यहाँ जो दिया हुआ है वो 11 मंथ का दिया है। पिछले क्वेश्चन में 6 महीने का दिया था, 6 महीने तक हमने कैलकुलेट किया, फिर आगे उसको इक्वल करके आंसर आया। लेकिन यहाँ 11 दिया है, अगर 15 महीने दिया हो तो हम ऐसे बार बार उसको कैलकुलेट करते नहीं रहेंगे। कैसे करना है ऐसे सवालों को, जब हमारा जो मंथली इंस्टॉलमेंट जो वो दिया हो वो 10 महीने 12 महीने ऐसे दिया हो कुछ, तो इसमें हमें एक फॉर्मूला लगाना है। वो क्या है कि जो हमारा सम होता है एन एन नंबर का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समानांतर श्रेणी में, उसका फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ऐसा जब क्वेश्चन आता है हमारे पास तो उसे हम सॉल्व करने के लिए जो ऐड करेंगे वो एक फार्मूला लेंगे, किसका, एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समानांतर श्रेणी जिसे हिंदी में कहते हैं। फार्मूला क्या होता है उसका देखिए, तो हम इसे एस एन से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एन। एन जो हमारा है वो है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या है, अगर हम 6 संख्याओं को नंबर को जोड़ रहे हैं तो हमारा एन हो जाएगा 6, 8 को जोड़ रहे हैं तो 8 हो जाएगा ऐसे। दूसरी बात है ए, ए क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, और ये एल जो होता है हमारा वो है लास्ट टर्म। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जब सीरीज जो बढ़ रही है उनमें एक पर्टिकुलर रिलेशन ऐसा होता है कि हमेशा वो उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। कैसे कैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे जा रहा है, तो हम देखिए पहले से दूसरे टर्म में प्लस वन ऐड हुआ, दूसरे से तीसरे प्लस वन, यहाँ प्लस वन, ऐसे यहाँ बोले 2 4 6 8 ऐसे जा रहा है। अगर तो यहाँ क्या हो रहा है प्लस टू, यहाँ क्या हो रहा है प्लस टू, यहाँ प्लस टू, ऐसे जब सीरीज बढ़ती है तो वो हमेशा एपी में आता है। तो प्राइस हमारे साइकिल का जो था वो था 10,000 रुपये, और वो पे कितना कर रहा है 11 महीने में 1,000 रुपये, 11 महीने में 1,000 रुपये, मतलब एक्चुअली वो 11,000 पे कर रहा है। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ रहा है यहाँ पे 1,000, 1,000 आया। अब देखिए कि वो जो पे करते जा रहा है वो कितना कर रहा है, हर महीने 1,000 रुपये पे करते जा रहा है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे अगर, तो 10,000 में से 1,000 उसने पे कर दिया, अब कितना हुआ 9,000, फिर 1,000 पे करेगा 8,000, ऐसे चलते जाएगा जब तक जीरो ना आ जाए यहाँ। इनका जो सम करना है हमें, तो मैंने क्या बताया कि जो हमारा प्रोग्रेशन होता है वो जो डिफरेंस हो रहा है दो टर्म में वो हमेशा सेम रहता है, दो टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम दिख रहा है, ये 1,000 का डिफरेंस होते जाएगा, इसलिए हम इनका सम निकालेंगे n by 2 into a plus l। ठीक, n कितने हैं, टोटल 11 महीने तक वो पे करते जा रहा है, तो 11/2 हो गया। पहला टर्म कितना है 10,000, और लास्ट टर्म जब हम पढ़ते जाएंगे तो आएगा जीरो। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 5,000 होगा, और टोटल हमारा पी जो आएगा वो 55,000 आ गया। इंटरेस्ट था 1,000, प्रिंसिपल है 55,000, 55,000 आर अपॉन 100 इंटू 1/12। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये क्या, ये गया ये 11, और ये आया 20।
तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है 240 अपॉन 11%। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा 219/11%। ये आया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे। इसको सम करने का तरीका क्या है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम ऐसे टर्म को सम करेंगे जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों कि गब्बर सिंह जी ने बोरो की है सम 7000 फ्रॉम द बैंक एट आर परसेंट एस आई। ठीक है, गब्बर सिंह ने 7000 रुपए लिए हैं बैंक से सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे। जरूरत पड़ गई होगी, गोली खत्म हो गया होगा, कैलेंडर खरीदना होगा पता करने के लिए होली कब है। ठीक है, तो उसने जब 7000 लिए बैंक को तो 3 साल बाद उसने 3000 रुपए बैंक में अदा किए। ठीक है, ये अदा किए वो नहीं है नाच नखरे वाले। ठीक है, ये अदा का मतलब है कि पेड किए हैं 3000 है और गब्बर सिंह क्या अदा दिखाएगा यार, 3000 उसने पेड किए हैं, यहाँ अदा किए या चुका दिए जैसा लिखना हो आप। उसके बाद क्या हुआ कि एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स 5 साल के बाद उसने 5450 रुपये पे करके अपने सारे ड्यू क्लियर कर लिए। हमें फाइंड करना है दर प्रतिशत रेट परसेंट। ठीक है, दो तरीके मैं आपको इस क्वेश्चन का बताऊंगा। पहला क्या बताऊंगा, जो हम इंस्टॉलमेंट में देख रहे हैं कि प्रिंसिपल जो आ रहा है हमारा डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉलमेंट के बाद सम करके उसे कैलकुलेट करते हैं वो, और उसके बाद दूसरा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहले उसने 7000 लिए बैंक से, 7000 लिए, 3000 3 साल बाद उसने पे किया, और उसके बाद पांचवें साल उसने क्या किया 5450 पे किया। 7000 लोन लिया है और टोटल उसने पे किया है 8450, तो इंटरेस्ट कितना हुआ उसका, इंटरेस्ट यहाँ से हो गया 1450। ठीक, अब अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो 5 साल चला है उसका कारवां, और इस 5 साल में क्या हुआ कि पहले 7000 पे इंटरेस्ट लग रहा था, 3 साल तक। ठीक है, 3 साल के बाद उसने 3000 पे कर दिए, तो 7000 में 3000 जब पे किए तो अब इंटरेस्ट किस पे लग रहा है, 4000 पे। ये रेट मैंने इसीलिए लिख लिया ताकि आपको समझ आए कि पहले 3 साल पे 7000 पे चल रहा था, उसके बाद जब 3000 उसने पे कर दिए तो अब इंटरेस्ट 4000 पे लग रहा है। तो टोटल जो हमारा प्रिंसिपल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 29000। ठीक, इंटरेस्ट हमारा 1450 है, 1450 प्रिंसिपल है हमारा 29000, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, कैलकुलेट कीजिए। ये 0 यहाँ से क्या आर कितना आएगा, ये 5 से जा रहा है मतलब 5%। ये आया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, टाइम का क्या, टाइम 1 ही होगा, टाइम पर ईयर जा रहा है तो 1 होगा, ऐसे कैलकुलेट किया। दूसरा तरीका क्या है इसका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों कि 7000 जो चल रहा था उसका आर परसेंट पे, वो कितने साल के लिए लगा, 3 साल के लिए, और उसके बाद जो उसने पे कर दिया तो 4000 लग रहा है। आर परसेंट कितने साल के लिए लगा, अगले 2 साल के लिए, और हमारा एसआई कितना आया था 1450। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए, यहाँ काट डालिए जो कट रहा है, तो ये आएगा 210 आर प्लस, यहाँ भी कटेगा ये हो जाएगा 80 आर, ये हो रहा है 1450। 290 आर हो रहा है 1450, ये 0 से ये गया आर 5%। ठीक है, तो इस मेथड में हमें प्रिंसिपल को ऐसे आगे करके नहीं जोड़ना है। ये इस क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं क्यों, देखिए
इंस्टॉलमेंट के पहले जो क्वेश्चन देख रहे थे हम, वहाँ मंथली जो इंस्टॉलमेंट हो रहा था तो प्रिंसिपल हर महीने चेंज हो जा रहे थे, या हर महीने नहीं हो रहे, एक गैप मिल रहा है हमें 3 साल 2 साल। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे जब यहाँ एक गैप में चेंज होंगे प्रिंसिपल। तो जब वैसा क्वेश्चन आपको दिखे तो इसी मेथड से आप सिंपली कर लीजिए, आपको प्रिंसिपल जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम, और फिर जब उसने पे करेगा तो वो माइनस होते जाएगा और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों कि मैन हैज टू पे रुपीज 1092 आफ्टर 3 ईयर्स इन इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट एट 12% पर MSI, ठीक है। 3 साल में उससे पे करने हैं 1092 रुपये, 12% का रेट है, तो हमें किस्त ज्ञात करना है इंस्टॉलमेंट। रिवर्स है, पहले को जो क्वेश्चन कर रहे थे उसका, उसमें इंस्टॉलमेंट दिया हुआ था, रेट फाइंड करना था। अब यहाँ जो दोस्तों है, अगर हम रिवर्स जाएंगे तो हमें एक्स लेके चलना पड़ेगा, और एक्स लेके चलेंगे तो समस्या आएगी ही, एक्स हर जगह समस्या पैदा करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक बहुत ही छोटू सा क्या है फॉर्मूला, उसको हम यूज़ कर लेंगे इस क्वेश्चन के लिए। क्या है कि जो हमारा टोटल अमाउंट है, जो हमारा टोटल अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, अमाउंट जो होगा हमारा इंस्टॉलमेंट, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे टी मतलब टाइम से प्लस आर बाई 100 इंटू सिग्मा टी माइनस 1। ये इसका फार्मूला है कि जो हमारा कुल अमाउंट है वो होगा इंस्टॉलमेंट इंटू टी टाइम आर अपॉन 100% में, और ये क्या सिग्मा टी माइनस 1। सिग्मा क्या है हम देखिए, सिग्मा जो होता है इसका जो मतलब है वो क्या है कि सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम एंड टू बिगिनिंग, मतलब अंत से लेके शुरू तक के जितने भी नंबर हैं उनका सम। कैसे देखिए, अगर सिग्मा 5 है, सिग्मा 5 है तो इसका मतलब होगा कि 5 4 3 2 1, ऐसे ऐसे चलते जाता है, ये होता है सिग्मा का मतलब, ठीक है। तो फॉर्मूले पे चीज़ों को रख दीजिए और आंसर प्राप्त कर लीजिए। क्या दिया है क्वेश्चन में कि जो हमारा अमाउंट है वो है 1092 22। इंस्टॉलमेंट हमारा कितना है, इंस्टॉलमेंट तो पता ही नहीं है तो आई लिखते, ठीक है। टी हमारा कितना है 3 साल, प्लस हमारा आर दिया है 12 अपॉन 100, और यहाँ पे जो सिग्मा टी माइनस 1 होगा वो 2 हो जाएगा क्योंकि 3 माइनस 1 है, ठीक। ये आ गया, आगे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा आई इंटू 3 प्लस 12 अपॉन 100, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आ रहा है 2, सिग्मा 2 आ गया, सिग्मा बड़ा खूबसूरत बन गया, ये सिग्मा 2 आ गया। इसका मतलब क्या है, 2 प्लस 1, जितने नंबर आएगा उससे पीछे जाते जाना है। आगे और सॉल्व कीजिए इसे, तो ये क्या हो जाएगा आई 3 प्लस, ये हो जाएगा 3 इंटू 12 36 अपॉन 100। यहाँ तक आ गए, ये था 1092। अब ये क्या हो जाएगा, आगे जाके आई इंटू 100, यहाँ जाएगा 300, तो 336 अपॉन 100। यहाँ से हम आई की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो 1092 ये 100 ऊपर जाएगा और वो 336 नीचे आएगा। जब इसे 4 से 8 से कैलकुलेट करते जाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा 325 रुपये आएगा, ठीक है। ये आया हमारा
आंसर कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। ऐसे हमें करना है क्योंकि जब एक्स के टर्म में देखेंगे बहुत लंबा कैलकुलेशन होता है, और ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये है यहाँ, यहाँ जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से ही आपको दिख जा रहा है कि ये 2 है, 2 प्लस 1 3 होगा, तो सीधे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर यहाँ आगे बढ़ के सॉल्व कीजिए। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का जो क्वेश्चन था जितने टाइप है वो यहाँ हमने देख लिए। ट्रू डिस्काउंट पे जाने से पहले मैं SI का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। अगले प्रश्न में हमें क्या कहा गया है दोस्तों कि मिस्टर मोदी जी ने लालू जी से बोरो किया है कितना, 6300 रुपीस 14% पर NM SI पे 3 साल के लिए। वो पैसा लेके उन्होंने फिर क्या किया कि कुछ और पैसा उसमें ऐड किया है और वो उन्हें लेट कर दिया है राहुल जी को। राहुल जी को 16% पर NM SI पे दिया है 3 साल के लिए। 3 साल के लिए जब उन्होंने ये पैसा ऐड करके दिया तो उन्हें टोटल 618 रुपये प्रॉफिट हुआ है। तो कितना अमाउंट उन्होंने ऐड किया है मोदी जी ने, ये हमें पता करना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसे करने का तरीका क्या है वो देखते हैं। दोस्तों हमने 3 साल के लिए उधार लिया, उससे 3 साल पे ही दिया है, सारी चीज़ों को 1 साल पे कैलकुलेट करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। भले ही 5 साल हो 10 साल हो, चीज़ें जब सेम है तो 1 साल में भी हमें वो रेट आंसर दे देगा। ठीक है, तो पहले 6300 14% पे जब उधार लिया तो SI कितना हमारा बनता, ये 2 जीरो कटेंगे और ये आ जाएगा हमारा 882। ठीक है, अब क्या किया उन्होंने, 6300 में एक्स ऐड कर लिया और दोनों को 16% के इंटरेस्ट पे राहुल जी को दिया है। 63 का 16% हमारा हो जाएगा 1008। इस 882 में तो और जोड़ देंगे हम, 882 में तो और करके करेंगे तो 126 A0 ऐसे आएगा। ठीक है, 63 में इतना आया और इसका कितना आ रहा है हमें, 4/25 ऑफ एक्स। ठीक, अगर यहाँ से इंटरेस्ट देके उसे टोटल इतना मिला लेकिन 882 तो पे करना है, तो 882 जब पे किया तो ये हो गया 6, ये हो गया 2 और ये 1, 126 का प्रॉफिट मिलता। लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 618 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 3 साल में, तो 1 साल में कितना होता, 206 का फायदा होना था, लेकिन उसी दाम पर 16% पे 126 का फायदा हो रहा है। मतलब ये जो 80 का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों वो क्यों आ रहा है, ये जो एक्स्ट्रा मनी उन्होंने ऐड किया है इसलिए। तो 80 हमारा है 4/25 इंटू एक्स, ये गया 20 से, तो एक्स हो गया 20 × 25, मतलब 500 रुपये मिस्टर मोदी जी ने ऐड किए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम ट्रू डिस्काउंट की बातें करते हैं। ट्रू डिस्काउंट जो होता है दोस्तों बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी, पर प्रॉब्लम क्या है कि ट्रू डिस्काउंट को जाने बिना लोग इसे सॉल्व करते हैं जैसे तैसे रट टूटा के, लेकिन कंफ्यूजन बना होता है इसलिए कि ट्रू डिस्काउंट है क्या ये हम नहीं जानते हैं। समझते हैं ट्रू डिस्काउंट क्या होता है। मान लीजिए मैं आपसे 1000 रुपये उधार लिया, आपने 10% के SI पे मुझे 1 साल के लिए वो दिया, तो 1 साल बाद जब मैं आपको रिटर्न करूँगा तो क्या होगा, 1100 रुपये रिटर्न करना होगा। लेकिन क्या हुआ कि मैंने जब आपसे 1000 रुपये लिया वो मैंने कहीं इन्वेस्ट किया और 7 दिन में मेरे पास कुछ पैसे आ गए ज़्यादा, तो मैंने क्या सोचा
यार एक साल बाद जब मैं आपको दूंगा तो 1100 देना पड़ेगा, तो मैं अभी पे कर देता हूँ, 1000 रुपये में बात हो जाएगा। तो मेरे पैसे कितने बचे? एक साल पे देता तो 1100, अभी दे रहा हूँ तो 1000 ही देना पड़ रहा है। मतलब क्या कर रहा हूँ मैं कि जो इंटरेस्ट लग रहा है वो सेव कर ले रहा हूँ। और यही चीज़ होती है ट्रू डिस्काउंट, जहाँ पे इंटरेस्ट को सेव किया जाता है या इंटरेस्ट लगने नहीं दिया जाता है। यही चीज़ है ट्रू डिस्काउंट, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और वैल्यू क्या होगी ट्रू डिस्काउंट की? इंटरेस्ट 1100 में मैंने 1000 रुपये जो थे उसमें 100 रुपये बचाया, इंटरेस्ट था वो हमारा ट्रू डिस्काउंट आ रहा है। इसी चीज़ को देखते हैं आगे कि हमने समझा ट्रू डिस्काउंट क्या है। अब है पाते हैं कि जो क्वेश्चन के लैंग्वेज होते हैं उसमें परसेंट वर्थ दिया रहता है, जिसको हम प्रिंसिपल मानेंगे या कहेंगे। वैसे भी अमाउंट की जो बातें होती है वो फ्यूचर की होती है, 2 साल, 3 साल, 8 साल बाद। तो प्रेजेंट तो हमेशा प्रिंसिपल होता है, तो प्रेजेंट वर्थ हो गया प्रिंसिपल। दूसरी बात हो गई ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट हमने क्या देखा, वैल्यू क्या होता है ट्रू डिस्काउंट का, एसआई क्या ही होता है, तो ट्रू डिस्काउंट मतलब हो रहा है एसआई। तीसरी चीज जो बचती है ड्यू डेप्थ, यानी देय राशि कितना हम देंगे, देते कितना है हम प्रिंसिपल और एसआई के साथ अमाउंट देते हैं, तो वो होता है हमारा ड्यू डेप्थ। ठीक है यहाँ तक? अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रेजेंट वर्थ एंड ट्रू डिस्काउंट रिकरिंग एट 7% पर एनम एसआई ऑफ 10,800 ड्यू इन 5 ईयर्स। ड्यू मतलब ये अमाउंट है 5 साल में, तो हमें फाइंड करना है प्रेजेंट वर्थ और ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, इसका हिंदी वाला जो है, आप जो भी स्टूडेंट हैं वो थोड़ा चेक कर लीजिएगा, मुझे उतना पता नहीं है हिंदी में, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। तो देखिए क्वेश्चन में अब क्या करना है हमें, चीज़ें हम सीखें जो हैं दोस्तों। ट्रू डिस्काउंट असल में क्या होता है, उसका यहाँ तो फायदा होना ही है, यहाँ होगा फायदा, लेकिन जब इसके बाद जब हम अगला क्वेश्चन करेंगे सेकंड टाइप का, उसमें बहुत काम आएगा हमें ये समझना कि ट्रू डिस्काउंट क्या है। अब देखिए 7% की बात जो हो रही है, मतलब है 7/100, ये हमारा प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट है एक साल का, बात हो रही है 5 साल की, तो 5 साल में कितना हो जाएगा ये 35, 100 प्रिंसिपल, 35 इंटरेस्ट, तो हमारा अमाउंट कितना हो गया 135। 135 क्वेश्चन में कितना दिया है, 108,00, इसे कैंसिल कीजिए 15 से, तो ये जाएगा 9 और ये होगा 720, मतलब 1 की वैल्यू आ गई यहाँ से 80। 1 की वैल्यू 80 आ गई है, हमें क्या फाइंड करना है परसेंट वर्थ, यानी कि प्रिंसिपल ये है 100, तो ये हो जाएगा 8,000। ठीक है, और क्या फाइंड करना था हमें, ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट कितना है दोस्तों, 35, ये हमारा बच रहा है, तो यहाँ से इससे मल्टीप्लाई मत कीजिए। क्या करना है हमें, इस चीज में जो हमारा अमाउंट है उसमें प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो भी तो हमारा एसआई आ जाता है, और यही हमारा आंसर होता है। ठीक है, ऐसे चीजों को करना है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड एसआई ऑन ₹2,400 ड्यू आफ्टर 5 ईयर्स एट 4% पर एनम। 2400 रुपये में 5 साल पे 4% का जो रेट लग रहा है, उसमें हमें डिफरेंस देखना है किसमें, ट्रू डिस्काउंट और एसआई में। इस क्वेश्चन में दोस्तों स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है, क्या करना है कैसे करना है कुछ नहीं पता रहता है, बस उस सॉल्यूशन को याद करके चले जाते हैं। हमें नहीं करना है, हमें देख लिया है कि ट्रू डिस्काउंट होता क्या है, तो कंफ्यूजन का बात होगा ही नहीं। क्या होता है देखिए, ट्रू डिस्काउंट की जो बात करें इसका मतलब है कि जो अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट लगना नहीं है, और एसआई की बात हो रहा है मतलब उस पर इंटरेस्ट लगना है, बस यही डिफरेंस हमें पता करना है। ठीक है, तो ट्रू
ट्रू डिस्काउंट की बात करें हम यहाँ और एसआई की बात करें, दोनों हैं 2400 रुपये पे। फाइंड करना, पहले ट्रू डिस्काउंट देखते हैं हम। ट्रू डिस्काउंट ऑन 2400 तो 4% हुआ है। 4% का मतलब है 1/25। 25 प्रिंसिपल, एक साल का इंटरेस्ट, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अमाउंट कितना हो रहा है यहाँ से, 30। अमाउंट 30 कितना दिया है, 2400, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितना आ गई, 80। 1 की वैल्यू 80 आई, हमें ट्रू डिस्काउंट फाइल करने, मतलब यहाँ जो इंटरेस्ट लगना था, तो ये कितना हो जाएगा, 400। ये आ गया हमारा ट्रू डिस्काउंट। अब एसआई ऑन 2400 की बात करें तो ये हो जाएगा 1/25 × 5, ठीक। 5 से 5 और ये जाएगा, ये हो जाएगा 480, तो एसआई की वैल्यू आई 480। हमें फाइंड करना है दोनों का डिफरेंस, मतलब कि 80 आया आंसर, ठीक है। 80 आंसर है किस पे, ट्रू डिस्काउंट और एसआई में। क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रू डिस्काउंट का मतलब हुआ कि हम एसआई पता बचा रहे हैं 2400 पे, इतना हम बचा लिए और 2400 पे इतना इंटरेस्ट लगता, 80 आया डिफरेंस, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो दोस्तों, ट्रू डिस्काउंट के साथ ही हमारे एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया है, एसआई। आप लोगों को अगर लग रहा है कि जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल है, मेरे चैनल से जुड़िए और फिर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो को आपको पता चलता रहे। अगले क्लास से हम सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चालू करेंगे, ठीक है। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, परोसिंग मैथ्स में। तब तक मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए और बहुत पढ़िए।